भारत में खेले जा रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 13वां मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंग्लैंड को अफगानिस्तान 69 रनों से हरा दिया। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ यह पहली जीत रही और अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की और अफगानिस्तान ने तो इतिहास ही रच दिया। क्या है खबर की पूरी जानकारी चली जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं पॉप क्रिकेट न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए गुरबाज और इब्राहिम दोनों ने मिलकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 108 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई और आज तो गुरबाज ने तूफानी पारी खेली, कमाल की पारी खेली भैया। सिर्फ 57 गेंदों में 4 छक्के और 8 चौके की मदद से 80 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं इब्राहिम ने 3 चौके की मदद से सिर्फ 28 रनों की ही पारी खेली, जबकि इकराम अली गिल ने भी एक शानदार पारी खेली। 66 गेंदों में 2 चौके और 3 चौके की मदद से 58 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अफगानिस्तान के सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहा और अफगानिस्तान की टीम 49.5 ओवर में 284 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वही इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज आदिल नासिर की धारदार गेंदबाजी ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट निकाले और मार्क वुड को 2 विकेटों की सफलता मिली और लियाम लिविंगस्टन और जो रूट को 1 विकेटों की सफलता मिली। 286 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने आए जॉनी ब्रेस्टो और डेविड मिलर। दूसरे ही ओवर में फजल हक फारूक ने जॉनी ब्रेस्टो को सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन भेजा और तीसरे नंबर पर आए जो रूट भी ज़्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। सिर्फ 17 गेंदों में 2 चौके की मदद से 11 रन बनाकर मुजीम रहमान ने उसे बोल्ड कर दिया। जोरूट के आउट होने के बाद सभी दर्शकों की निगाहें डेविड मिलान पर थी, लेकिन डेविड मिलान ज़्यादा देर अफगानिस्तान स्पिनर का सामना नहीं कर सके। 39 गेंदों में 4 चौके की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इंग्लैंड की लगातार विकेट गिरते रही। एक तरफ इंग्लैंड की टीम विकेट गंवा रही थी और दूसरी तरफ हैरी ब्रुक लगातार रन बना रहे थे, वो आसानी से चौके भी लगा रहे थे। हालांकि हैरी ब्रुक के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिका नहीं। वही जॉस बटलर 9 रन, लियाम लिविंगस्टन 10 रन, सैम करन 10 रन और क्रिस ब्रुक्स ने 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हैरी ब्रुक भी पवेलियन लौट गए। ब्रुक ने 61 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौके की मदद से 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अंत में आदिल नासिर ने 13 गेंदों में 22 रन बनाए और मार्क वुड ने 22 गेंदों में 18 रन, रिस टॉपलिन ने 7 गेंदों में 15 रन बनाकर 40.3 ओवर में 215 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई और अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनुभवी राशिद खान और मुजीम रहमान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वही ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी को 2 विकेटों की सफलता मिली। राशिद खान, मुजीम रहमान और मोहम्मद नबी की जादुई स्पिन गेंदबाजों की बदौलत अफगानिस्तान इंग्लैंड को 69 रनों से हरा दिया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का यह पहली जीत रही। धन्यवाद।